Good morning, students. How are you? Look at this book. This is your EVS book. And today we will do chapter 9. Chapter 9. And page number is 51. So let's start. This is the book exercise. First, read the heading. Tick the correct word given in the bracket. हमने जो correct word है उनको tick करना है brackets में दिए गए हैं. Firstly, my options are mother, father, oblique sister, cooks food for the family. यहाँ पे हम टिक करेंगे मदर पे. My mother cooks food for the family. मेरी जो मदर है वो खाना बनाती है फैमिली के लिए. ओके. सेकेंड इज आई अब्लिक फादर अब्लिक मदर लुक्स आफ्टर द प्लांट्स. यहाँ पे हम टिक करेंगे आई पे. आई लुक्स आफ्टर द प्लांट्स. मैं पौधों की देखभाल करता हूँ. थर्ड इज माई ऑप्शन आर फादर अब्लिक मदर अब्लिक ब्रदर ब्रिंग्स थिंग्स फ्रॉम द मार्केट. अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर वी विल टिक ऑन फादर. माई फादर ब्रिंग्स थिंग्स फ्रॉम द मार्केट. ब्रिंग्स होता है लाना. थिंग्स फ्रॉम द मार्केट वो बाजार से मार्केट से लेके आते हैं. फोर्थ पे माई ऑप्शन आर फादर अब्लिक मदर अब्लिक बस ड्रॉप्स मी एट स्कूल. वी विल टेक ऑन फादर. माई फादर ड्रॉप्स मी एट स्कूल. स्कूल पे कौन छोड़ने जाता है? फादर. सो यहाँ पे हम किस पर टिक करेंगे? फादर पे. नेक्स्ट इज रीड द हेडिंग थिंग्स आई डू एट होम. सो फर्स्ट इज लुक एट दिस. शी इज डूइंग गार्डनिंग. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वो पौधों को पानी दे रही है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? गार्डनिंग. लुक एट दिस पिक्चर. वट ही इज डूइंग? ही इज ईटिंग द मील. सो यहाँ पे हम लिखेंगे ईटिंग. वो खाना खा रहा है. थर्ड पिक्चर में लुक एट दिस. वट ही इज डूइंग? वो पॉलिश कर रहा है शू को तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पॉलिशिंग. यहाँ पे क्या कर रहा है? वो डस्टिंग कर रहा है, क्लीनिंग कर रहा है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डस्टिंग. नाउ नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 52. सो रीड द हेडिंग फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स. यहाँ पे बॉक्स दिया गया है जहाँ पे हमें वर्ड्स दिए गए हुए हैं. फर्स्ट इज समटाइम्स आई हेल्प माई मदर इन द किचन. यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे? किचन. फर्स्ट ऑप्शन इज किचन. मैं अपनी मदर की हेल्प करता हूँ. कहाँ पे? किचन में. सेकेंड इज माई फादर ब्रिंग्स. यहाँ पे हम लिखेंगे वेजिटेबल्स. दिस इज अवर सेकेंड ऑप्शन. वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट. मार्केट से मेरे फादर हैं जो वेजिटेबल्स लेके आते हैं. थर्ड इज माई पेरेंट्स आर डैश बिकॉज आई हेल्प दैम. यहाँ पे हम हैप्पी लिखेंगे. दिस इज आर थर्ड ऑप्शन. मेरे पेरेंट्स खुश हैं क्योंकि मैं उनकी क्या करता हूँ? हेल्प करता हूँ. वी आल यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर. फोर्थ ऑप्शन इज शेयर द वर्क इन आर होम. हम घर पे जो काम है बांट के करते हैं. ओके. नेक्स्ट इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. अगर हमारी स्टेटमेंट ट्रू है तो उसके लिए हम टी राइट करेंगे. अगर फॉल्स है तो उसके लिए हम एफ राइट करेंगे. फर्स्ट इज आई ब्रिंग मिल्क एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट फुल स्टॉप. दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट क्योंकि हम मेरे क्या है? फादर लेके आते. यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे? एफ. अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर. सेकेंड इज आई कीप माई बुक्स एंड टॉयज एट प्रॉपर प्लेस. मैं अपनी बुक्स और टॉयज को एक प्रॉपर जगह पे रखता हूँ. दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट. सो राइट टी फॉर ट्रू. थर्ड इज माई मदर कुक्स फूड फॉर अस. मेरी जो मदर है फूड को कुक करती है, बनाती हैं हमारे लिए. दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट. सो राइट टी फॉर ट्रू. नेक्स्ट इज माई फादर हेल्प्स मी इन माई होमवर्क. मेरे जो फादर हैं मेरी हेल्प करते हैं होमवर्क के लिए तो ये हमारी क्या है? ट्रू स्टेटमेंट. सो राइट टी फॉर ट्रू. ओके. सो नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु बायज बुक्स फॉर यू. आपके लिए बुक्स कौन लाता है? तो यहाँ पे आंसर क्या राइट करेंगे हम? माई फादर फुल स्टॉप. सेकेंड क्वेश्चन इज हु पैक्स योर लंच बॉक्स क्वेश्चन मार्क. तो आंसर क्या लिखेंगे? माई मदर पैक्स माई लंच बॉक्स. ओके.
Third question is, who water the plants in the garden? Question mark. According to your chapter, I water the plants. Fourth question is, who lays the table for dinner? Question mark. Again, according to your chapter, I lay the table. Full stop. Thank you, students.